अच्छा जी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उन स्टूडेंट्स ने इन सेमेस्टर में ये वाले कोर्स जो है वो रजिस्ट्रेशन की भी है, पढ़ रहे हैं, और ये जो ग्रिड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनके जो मार्क्स हैं वो क्या क्या हैं, और ये मार्क्स जो हैं वो तब्दील होते रहेंगे क्योंकि जैसे जैसे क्वेजेस वो जमा कराते रहेंगे, इवेलुएट होते रहेंगे, और ये भी उसी के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। अच्छा जी, अब हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम लोगों ने इनके जो परफॉर्मेंस को मेजर करना है, हमने ये देखना है कि जो अली है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, और उस परफॉर्मेंस के लिए हम लोगों ने एक जो फॉर्मूला लगा वो है एवरेज का। तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जो अली की जो एवरेज है वो क्या है, वली की एवरेज है वो क्या है, और उसी की बुनियाद के ऊपर हम लोग ये क्वालिफाई कर रहे हैं कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो अबव एवरेज है, कौन सा एवरेज है और कौन सा बिलो एवरेज है, राइट। अच्छा, अब जो ये डिटेल के कौन सा एवरेज है बिलो एवरेज है, ये छोटा सा डेटा सेट है और ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो और उसके अंदर से पिक एंड चूज करना हो तो वो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हम ये काम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के अंदर अब हम ये यही काम करेंगे कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का सहारा लेंगे, और इस डेटा सेट को जहाँ पर एवरेज लगी हुई है इस रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करने के लिए होम टैब को क्लिक करें, फाइल ग्रुप में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर अब न्यू रूल्स पर बात करेंगे। अच्छा, अब न्यू रूल्स के अंदर हमारे पास ये न्यू फॉर्मेटिंग रूल्स हैं, ये जो बेसिक रूल्स की जो फॉर्मेशन है वो है, और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो जो रूल हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो ये करना है कि फॉर्मेट ओनली दैट कंटेन्स, तो फॉर्मली फॉर्मेट ओनली दोस हेल्ड कंटेन, ये न्यू जो फॉर्मेटिंग रूल्स है उसकी जो कैटेगरी है और ये नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, अब ये जो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब ये है सेल कलर, जो हमारा फॉर्मेटिंग है वो क्या हो गया, वो सेल कलर इज इक्वल टू, और इसका मतलब क्या होगा कि हर वो सेल जो कि ग्रीन होगा उसका नाम होगा या उसका मीनिंग होगा अबव एवरेज, और जो रूल हम स्पेसिफाई करेंगे वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एवरेज ग्रेटर देन और 70 है तो सेल कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, और ग्रीन का मतलब क्या है कि वो अबव एवरेज है, राइट। तो अब अप्लाई करते हैं, तो पहली चीज़ हम करेंगे पहले रूल को सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने 70 लिखा, ये जैसे हमने 70 लिखा और इसके बाद कहा कि इफ सेल वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 तो फॉर्मेट क्या हो जाए, फॉर्मेट हमारा हो जाएगा, हम इसको कहेंगे कि सेल कलर इज इक्वल टू ग्रीन हो जाए, ये हमने ग्रीन कर दिया। अच्छा जी, जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर देखें दो जो वैल्यूज हैं वो क्या होगी, वो ग्रीन होंगे, तो इनके अंदर जो नंबर्स हैं वो 70 और अबव हैं। अब इसी तरीके से दूसरे रूल को अप्लाई कर लेते हैं, दूसरे रूल को अप्लाई किया, ये हमने कहा, और अब हम ये बात कर रहे हैं कि येलो की, कि अगर सेल वैल्यू बिटवीन 50 है, ये 50 हो गया, और 50 के बाद फिर हम लोगों ने कहा कि 70 लेस देन 70, अगर मैं यहाँ पर 70 लिखता हूँ तो इसका मतलब है कि ये पहले रूल के साथ कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लगा रहे हैं कि ग्रेटर देन टू 70, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 70 से कम होना चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये कर देते हैं 69.999, ठीक है जी। और फिर क्या हो, इसको हम सेल कलर कर देंगे येलो, येलो किया, क्लिक ओके किया, फिर ओके किया, तो देखिए हर वो कलर, हर वो सेल जिसके अंदर वैल्यू इस रेंज के अंदर फिट हो रही है वो हम। इसी तरीके से तीसरा कर लेते हैं, हमने तीसरा किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, न्यू रूल किया, फिर हमने फॉर्मेट सेट कंटेन किया, सेल वैल्यू इज लेस देन, हमने किया 50 किया, ये हमारा 50 आ गया, और फिर हमने करना है फॉर्मेट सेल कलर इज इक्वल टू रेड, ये रेड हो गया, क्लिक ओके हो गया। तो अब हमारे पास ये जो नीचे जो रूल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी भी है, और सिर्फ अमीर का
जो कलर है सेल कलर वो 45 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल अब हमें ये जो अली साहब हैं इन इनके मार्क्स ज़रा थोड़े से कम हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक टेस्ट में वो 45 लेते हैं तो वो किस में फॉल करते हैं, वो एवरेज स्टूडेंट के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर जो अमीन साहब हैं ये अगर किसी एक के अंदर अच्छे नंबर ले लेते हैं तो वो फॉल करके कहाँ पर चले जाते हैं, वो एवरेज में आ जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो सेल्स की फॉर्मेटिंग है वो डायनामिक हो रही है, लेकिन इस डायनामिज्म की वजह से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हुई है कि किस तरीके से हम जो कैटेगरीज हैं वो स्टूडेंट्स की आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ आ गया होगा।